आईपीएल के 56वें और आखिरी लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने शारजा में मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराया और अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल कर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। सनराइजर्स हैदराबाद के क्वालिफाई करने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2020 से बाहर हो गई। वहीं मैच में हैदराबाद की ओर से 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लेने वाले शहबाज नदीम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई। मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में 12 के स्कोर पर संदीप शर्मा ने रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा। फिर 5वें ओवर में 39 के स्कोर पर संदीप शर्मा ने क्विंटन दी कॉक को भी चलता किया। सूर्य कुमार यादव और ईशांत किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 12वें ओवर में शहबाज नदीम ने 81 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव और कृणाल पांडे को शून्य पर आउट करके मुंबई इंडियंस को बड़े झटके दिए। इसके बाद 13वें ओवर में 82 के स्कोर पर राशिद खान ने सौरभ तिवारी को भी आउट कर दिया। इसके बाद 17वें ओवर में 115 के स्कोर पर संदीप शर्मा ने ईशान किशन को आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। 18वें ओवर में 116 के स्कोर पर जेसन होल्डर ने नाथन कुल्टर-नाइल को भी आउट कर दिया। हालांकि क्योरा पोलार्ड ने 25 गेंदों में 41 रनों की तेज पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 तक पहुंचाया। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से संदीप शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। 150 रनों के लक्ष्य के जवाब में कप्तान डेविड वार्नर और रिद्धिमान शाह ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दी और बिना विकेट गवाए सनराइजर्स हैदराबाद ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रन जोड़े थे और 12वें ओवर में ही टीम को 100 के पार पहुंचा दिया था। डेविड वार्नर ने 35 और रिद्धिमान शाह ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। डेविड वार्नर ने 58 गेंदों में 85 और शाह ने 45 गेंदों में 58 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को 18वें ओवर में 17 गेंद शेष रहते शानदार जीत दिला दी और साथ ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी करवा दिया। वहीं मैच में हैदराबाद की ओर से 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लेने वाले शहबाज नदीम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में 4 टीमें अपनी जगह बना चुकी हैं। इनमें मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शामिल हैं। वहीं अब आईपीएल 2020 का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुरुवार को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। We'll be right back.